वेलकम टू नेहा फैजी ब्लॉग्स। कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रमजान? अफतारी शफतारी, पकौड़े शकौड़े? बड़े चटोरे हो तुसी, बड़े चटोरे हो। बहुत ही पाक, बहुत ही अच्छा महीना चल रहा है, स्पेशली फॉर मुस्लिम। सब लोग रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। और झूठ नहीं बोलें और लोगों को उल्लू ना बनाएं। आज मैं अपना पॉडकास्ट, आज का रिव्यू मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो इंसिडेंट्स बताना चाहती हूँ, बट दो इसलिए पिक करें हैं, वन इज़ फ्रॉम मुस्लिम्स साइड एंड वन इज़ फ्रॉम हिंदू साइड। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कैसे कैसे लोग आपको फूल करने की कोशिश करते हैं। तो एक अंकल थे, वो हमेशा अपनी कोई भी बात करते थे ना वज़न देने के लिए, उस पर लोगों को यकीन हो, इसलिए वो हमेशा रिलेट करते थे, वी आर मुस्लिम्स, वी ऑलवेज शुड, और हमारा ईमान मजबूत है, हम झूठ नहीं बोलते, हम हराम चीज़ को नहीं खाते। हम बहन, आप यकीन रखो, आपने मुझे पैसे दिए हैं, ईमान ही तो एक ऐसी चीज़ है जो एक गरीब के मेरे पास है। आपने मुझे पैसे दिए हैं, वो पैसे आपको मैं टाइम पे ला के दूंगा, चाहे कहीं से भी ला के दूँ, बट वो पैसे कभी नहीं आते थे, वो भाग जाते थे। हमारे आते थे शनि महाराज, दिन ईद वाला दिन था और शनि महाराज ने बोला कि आज तो आपके यहाँ नॉनवेज बना होगा और मुझे खाना है। तो मम्मी शॉक्ड हो गई, मम्मी ने कहा नॉनवेज आप कैसे खाते हो, आप तो शनि महाराज हो आप तो। उन्होंने बोला नहीं बहन, मैं सब खाता हूँ और मुझे पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जब भी बनाओ मेरे को दो, आप मुझे आटा भले ही ना दो लेकिन आप मुझे नॉनवेज दो। तो लेकिन लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, लोग उनके बारे में सोचते हैं कि अरे ये शनि महाराज हैं तो इनका तो, ये तो वेजिटेरियन होंगे, ये तो किसी हाल में नॉनवेज नहीं खाते होंगे, बट वो खाते थे। आप लोग समझ ही चुके होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस बारे में बात करना चाह रहे हैं। सो मैंने आपको बताया रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत पाक महीना चल रहा है, इस महीने में झूठ बोलना अवॉइड करना चाहिए। सो इफ़ समबडी हु इज़ कंटिन्यूसली लाइंग टू यू, दे शुड स्टॉप लाइंग, स्पेशली इन दिस मंथ ऑफ रमज़ान। तो लेकिन नहीं, कुछ लोगों के लिए ये जो मौका है रमज़ान का, ये और भी ज़्यादा कमाने का ज़रिया बन जाता है, बाय लाइंग, बाय मेकिंग पीपल फूल। तो एक इंसिडेंट हुआ रिसेंटली, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप स्क्रीन पे देखो, ये अवार्ड मिला है जनाब को, किसी ने भेजा है दुबई से। आप लोगों को क्या लगता है, हमारे जनाब हैं इंटरनेशनल एक्टर बन चुके हैं, वो दुबई से उनको अवार्ड आ रहा है? मैडम को भी अवार्ड लेने दुबई जाना होता है, वंडर मॉम, वो अलग बात है कि वो मॉम अकेले सिंगल हैंडेडली जब बेबी को हैंडल करने की बात आती है तब सारी हंसी घुस जाती है। तो आई वॉन्ट टू से वंडर मॉम कोई भी नहीं है, सारी मॉम्स हैसल करती हैं, ट्राई करती हैं। सो आप पहले ये अवार्ड देखिए, बहुत ही मज़ेदार अवार्ड लग रहा है ये, इसमें सितारे ही सितारे हैं हमारे जनाब के जैसे। हमारे जनाब भी एक स्टार हैं, स्टारलेट हैं, आपको तो पता ही है। तो जनाब को ये अवार्ड मिला हुआ है, बहुत अच्छा। और जनाब ने बताया कि ये दुबई से आया हुआ है, लेकिन किसी ने नाम नहीं डाला। मतलब ऐसी कोई कुरियर कंपनी है, मैं तो यार छोटा सा भी ऑर्डर प्लेस करती हूँ ना, देन दे ऑलवेज सेंड द सेंडर्स नेम। मतलब वो जो इनवॉइस होता है ना, उस पर सेंडर का नाम होता है, रिसीवर का भी नाम होता है, एड्रेस होता है। तो पता नहीं क्यों जनाब को बिना नाम के किसी ने गुमनाम होके भेज दिया, किसी को क्या पड़ी हुई थी कि बताया ही नहीं कि वो किस कौन भेज रहा है। खैर, शायद किसी ने ना भेजा हो, वो उनके घर में से ही किसी ने भेज दिया हो, उनको खुश करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए, ईगो बूस्ट करने के लिए, ऐसी सब चीज़ें होती हैं ना। ना ही ईगो बूस्ट करो जितना ज़रूरत हो, अननेसेसरली हद से ज़्यादा करोगे तो फिर तो पकड़ आ ही जाएगा, है ना? मानते हैं ना आप लोग, मानते हैं ना? ओली। और इस अवार्ड को जब खोला जा रहा है, इसके बॉक्स पे कंपनी का नाम लिखा है, तो ये कंपनी का नाम भी आप देखो। और अब जब आप इस कंपनी को देखते हो, अब जब आप, हमने इस कंपनी का नाम देख लिया कि ये कौन सी कंपनी का अवार्ड है, तो नाउ वी गेट टू नो कि ये कंपनी जो है वो इंडिया की कंपनी है। तो आप मुझे बताओ, दुबई से अवार्ड आ रहा है इंडिया की कंपनी से, लेकिन सेंडर का नाम नहीं डला हुआ है, और जो लिखा हुआ है वो मैडम को बहुत अच्छे से पता है, बहुत ब्ला ब्ला करके मैडम ने बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से पढ़ दिया, एज इफ शी हैज ओनली रिटन दो। तो बहुत जल्दी पढ़ दिया था मैडम आपने, इतनी अच्छी तो आपकी आई एम द कैबिन क्रू वाली इंग्लिश नहीं है जहाँ तक कि मैंने सुना है। आपको ये वेबसाइट है इसकी, आप देख सकते हो, इस पे 1500, 1600, 1500, 1300 के अवार्ड्स इस तरीके के मिल रहे हैं। अगर आप लोग भी अपने हस्बैंड को अवार्ड देना चाहते हो, सिर्फ लेटे रहने के लिए, कुछ ना करने के लिए और उनका ईगो बूस्ट करने के लिए, तो आप इस वाली वेबसाइट पे जा सकते हो और उनको एक अवार्ड दे सकते हैं। तो खैर, अच्छा चलो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है कि यार आपने, आपकी वाइफ को लगता है कि यार इसने मेहनत करी, इतना नाचने की कोशिश करी लेकिन नहीं बन पाया, तो चलो मैं इसको खुश कर देती हूँ। बट देन वाई आर यू फूलिंग पीपल, वाई आर यू फूलिंग योर ऑडियंस? तो झूठ बोलिए रमज़ान में, लोगों को उल्लू बनाइए, ये कितनी गलत चीज़ है आप खुद बताओ। और आप बोलते हो लोगों को कि तले जाओगे, अल्लाह से डरो, शर्म करो, आप ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देते हो, वर्ड्स बोलते हो। तो जनाब, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, प्लीज़
ये सब हरकतें छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह ताला किसको तलेंगे, किसको फूलों पे बिठाएंगे, ओनली अल्लाह नोज दिस थिंग। अल्लाह के अलावा ये चीज़ मतलब यकीनन किसी के भी इल्म में, किसी की भी नॉलेज में नहीं है कि बाद में क्या किसका हश्र होने वाला है। ठीक है, आप कितने सारे लोगों के साथ झूठ बोल रहे हो, कितने सारे लोगों को उल्लू बना रहे हो। रोजा रख के झूठ बोलना, लोगों को उल्लू बनाना, कौन करना, उनके सामने एक हैप्पी फैमिली ड्रामा दिखाना जस्ट टू गेन व्यूज, ये ठीक है नहीं है ना? हमारी फुप्पी के घर में क्या हो रहा है, हमारी खाला के घर में क्या हो रहा है, हमारी नानी के घर में क्या हो रहा है, हमारी दादी के घर में क्या हो रहा है, वो हम आपको नहीं बता रहे। दैट वुड बी कंसिडर्ड एज गीबत, चुगली लगाना। बट वी आर गिविंग यू रिव्यू, वी आर गिविंग यू रिएक्शन, वी आर मेकिंग कॉन्टेंट ऑन समथिंग विच इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन पब्लिक फॉर कंजम्पशन। ठीक है, जो पब्लिक के यूज करने के लिए, पैसा कमाने के लिए अवेलेबल है। यूट्यूब में क्या है, आप रिएक्शन दोगे। ठीक है, हम रिएक्शन दे रहे हैं, हमें जो चीज़ लग रही है कि भाई आप झूठ बोल रहे हो, हम बताएंगे आपको झूठ। देखो, हम आपको बता रहे हैं झूठ क्या चीज़ है। ठीक है, वो आपको जानने का हक है। अगर आपको कोई शैम्पू बेच रहा है ये बोल के कि आपके बाल उससे सिल्की एंड शाइनी हो जाएंगे, और अगर नहीं हुए, वी कैन गिव यू रिव्यू कि भाई मेरे तो नहीं हुए, क्या पता तुम्हारे हो ना हो। सो दिस, दे आर सेलिंग देयर प्राइवेट लाइफ, देयर पर्सनल लाइफ। तो ये लोग अपनी पर्सनल लाइफ बेच के यूट्यूब में पैसा कमा रहे हैं, विच इज़ अवेलेबल फॉर पब्लिक। तो पब्लिक का उसमें पूरा राइट बनता है, उनको क्या चीज़ पसंद आई, क्या चीज़ नहीं पसंद आई। क्या कहते हो एंड में, हर के लिए अच्छा सोचो, और ज़्यादातर कोशिश करिए कि हर के लिए अच्छा सोचिए। तो हर के लिए अच्छा सोचना इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज हर इंसान अच्छा नहीं है। ठीक है, आप बोल रहे हो कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह हर के लिए अच्छा सोचो। क्या कोई हमें जो उल्लू बना रहा है, कोई हमारे सामने झूठ बोल रहा है, हम उसके लिए अच्छा सोचेंगे? हम ये सोचेंगे कि यार इसने हमें उल्लू ही तो बनाया है, कोई बात नहीं, हमारे 20-30 मिनट ख़राब कर दिए, कोई बात नहीं, एक फैमिली मेलोड्रामा झूठा दिखा के कर दिया, कोई बात नहीं। तो हर कोई डिफरेंट होता है। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में दो इंसिडेंट्स बताए थे, वो मैंने इसलिए आपको बताए थे कि आप ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन आप किसी को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो जाता है, आई अंडरस्टैंड, बट डोंट ट्रस्ट एनीबडी ब्लाइंडली जस्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो हक की बात बोलिए, सही है तो सही है। अगर आपके दो फ्रेंड हैं, एक मुस्लिम है एक हिंदू है, और हिंदू सही है और मुस्लिम गलत है, डोंट डोंट सपोर्ट योर मुस्लिम फ्रेंड, सपोर्ट योर हिंदू फ्रेंड। ठीक है, सही को सपोर्ट करोगे तो हमेशा आपके साथ सही ही होगा। जब आप सही रहोगे तो आपको सही लोग सपोर्ट करेंगे। जनाब, इट्स अ मंथ ऑफ रमदान, प्लीज़ इस मंथ में झूठ मत बोलिए। आपको पता है पकौड़े बन जाते हैं मरने के बाद में, तले जाते हैं, अल्लाह ताला पकौड़े बनाते हैं ना, आपको तो सबसे ज़्यादा पता है ना, आप सबको बताते हो, बताते हो नहीं बताते हो, हैं? आपकी मैडम हंसती रहती है जब आप पीछे से बताते हो, तो मैडम करती रहती है। सो यू वेरी वेल नो कि पकौड़े बनते हैं अगर आप झूठ बोलते हैं, अगर आप किसी को उल्लू बनाते हैं। तो प्लीज रमजान के मंथ में ऐसा मत करो, नहीं करो ऐसा, अली मत करो ना ऐसा। एंड इट इज साइकोलॉजिकली प्रूव्ड कि जो इंसान हर टाइम हर बात पे हंस रहा होता है अननेसेसरली, वो या तो बहुत डिप्रेस्ड है, या तो उसको कोई मेंटली प्रॉब्लम है, या फिर वो दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, बट डीप इनसाइड दैट पर्सन इज नॉट हैप्पी एट ऑल। क्योंकि जब इतना बैगेज हो ना आपका पिछले पास्ट का, तो आप हैप्पी कैसे रह सकते हो? एंड वॉट इज दिस नॉन सेंस, अपने छोटे से 8 महीने के बच्चे को बता रहे हो कि पप्पा पहले मिले थे, है किस, ये क्या है, वॉट इज दिस नॉन सेंस? अपने छोटे से बच्चे को आप बता रहे हो अपनी लव स्टोरी, आर यू सीरियस? मतलब यार बच्चों को तो बख्श दो यार अपने कारनामों से। जैसा कि हमेशा जनाब कहते हैं, जैसा कि वो हमेशा बोलते हैं, माँ बाप के साथ वक्त बिताइए। तो आपके घर में आपकी जो बहन है, वो किसी लड़के को उसके माँ बाप से दूर करके ले आई है, जो कि जिंदगी भर अब वो दूर ही रहना है। ठीक है, उनका एक लौता लड़का था, सीधे साधे लोगों में आपने शादी कर ली, उसने ज़बरदस्ती शादी करी कि उसको एक सीधा साधा इज्जतदार खानदान मिल जाए, लेकिन वो मान गए बेचारे, उनको ऑप्शन ही नहीं मिला, उनको ना करने का ऑप्शन ही नहीं मिला, वो एक लिमिट तक करते रहे करते रहे करते रहे, बट देन बोल दिया कि भाई हमें तो करनी ही करनी है। फिर इन लोगों ने दिखा दिया फनी को। मदरहुड इज डिफिकल्ट ओनली फॉर दोज हु वॉन्ट्स टू डू इट करेक्टली। जिनके बच्चे तो ऐसे भी बड़े हो जाते हैं ना, बड़े तो सभी हो जाते हैं, परवरिश कौन कर रहा है, तरबियत कौन कर रहा है? आप देख लो, इसकी माँ ने इसको कुछ भी नहीं सिखाया, या फिर इसने सीखना चाहा ही नहीं, इसका इंटरेस्ट ही नहीं रहा, क्योंकि इसकी मम्मी को तो खाना बनाना आता है। देखो, अम्मी को तो सब आता है खाना बनाना, अम्मी खड़े मसाले का चिकन बना ले, अम्मी सब बना ले, अम्मी बेटी को रखती है, लेकिन अम्मी को आता है अम्मी को, ऐसा ना बोलोगे नहीं आता अम्मी को। तो इसको क्यों नहीं आया? बिकॉज इसका कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा, इसको हमेशा से प्रिंसेस फील लेनी थी।
फिर ये कहते हैं माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए, रिस्पेक्ट माँ बाप की रिस्पेक्ट करिए। तो कैसे रिस्पेक्ट करिए? आपने स्टेज में जा करके आपकी बहन ने आपने सबने बोल रहे हो कि बाप का फर्ज मैंने अदा करा है, मतलब तुमने दुनिया को बता दिया कि योर फादर इज नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग फाइनेंसिस ऑफ योर ओन सिस्टर, अपनी खुद की बेटी के। जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करता है ना, वो कभी भी ये नहीं दिखाता। सलमान खान बनने की कोशिश करते हो ना धीरे धीरे ये सब कर करके, तो सलमान खान अभी तक अपनी पॉकेट मनी अपने पापा से लेता है, वो तो यही बताता है इंटरव्यू में। और आपकी बहन क्या बता रही थी? और वहीं पे आपको देखो, आपकी बहन वो कह रही थी पापा को थोड़े से पैसे दे देते हैं, अच्छा लगता है उनके पास भी पैसे रहे, थोड़ी सी जरूरत पड़ती होगी उनको। फिर वो बेचारे क्या करते, उन्हीं पैसों से आप ही लोगों को गिफ्ट दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है व्लॉग बनना है कुछ, वो भी अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करना चाहते हैं ना, इसलिए तो वो ऐसा करते हैं। वो बेचारे रो रहे होते हैं हमेशा, लेटर लिखते थे, उनको भी ड्राइंग करना, लेटर लिखना, आप है ना, वो भी वो कहने पे उनको करना पड़ता है। आपकी जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो बताती है कि ऐसा करिए, वो भी अच्छा है, लाइक इट्स बेटर टू एंगेज हिम, लेकिन वो नेचुरली उनके अंदर से नहीं आता है, वो बताता है, बताया जाता है उनको, एंड देन इट हैपन्स। और हाँ, आपने क्या बोला था, अल्लाह की मर्जी थी आप नहीं जीते, और अगर आप जीत जाते तो वो भी अल्लाह की मर्जी होती। डू यू नो दिस, इट्स कम्प्लीटली हराम। जो आप लड़की को इतना पकड़ के जकड़ के खड़े होते हो, गैर महरम लड़की को, और आप बिल्कुल टांगे चीर चीर के बिल्कुल डांस करते हो, तो मतलब ये जनाब इट्स नॉट राइट, इट्स हराम। प्लीज, आप कैसे सोच सकते हो कि मतलब आपके पकौड़े नहीं बनेंगे और बाकी दूसरों के बनेंगे? आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव अ जेन्युइन क्वेश्चन, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पकौड़े नहीं बनेंगे बाकियों के बनेंगे? आप खुद टांगे चीर चीर के डांस कर रहे हो लड़की के साथ चिपक चिपक के, बीइंग अ मुस्लिम गाय, और आप दूसरों को कह रहे हो शर्म करो शर्म करो। हाँ, आप कुछ कटोरा लेकर के बिल्कुल लिटरली भीख मांग रहे हो, प्लीज 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 प्लीज, एंड देन यू आर सेइंग, और फिर कुछ दिन, और फिर एक दिन आप लोगों को बोलते हो वी आर देयर, ऐसा मुंह बना के बोलते हो, और फिर आप कहते हो अभी भी वक्त है सुधर जाओ। तो आप खुद क्यों नहीं सुधर जाते हो? अभी भी वक्त है, बिल्कुल है, अभी आपका बुढ़ापा थोड़ी आया है, इंशाल्लाह आपकी बहुत लंबी जिंदगी होगी, लेकिन अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, ऐसा मत करिए। हम लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम एक आगे जाए इंसान, लेकिन वैसे बनो तो, मतलब ये क्या बात होती है, खुद करना नहीं है, दूसरों को करने के बोलते रहना है, बोलते रहो बस अपनी इमेज बनाने के लिए। क्या हुआ था, आशाराम बापू, राम रहीम, एक मौलाना जर्जिस थे, ये लोग इतना बोलते थे, इतना ज्ञान देते थे, खुद ही फंस गए, जेल में पड़े हुए हैं आज। तो इन लोगों को थोड़ी ना कंसिडर किया जाएगा, उसी हिसाब से आप इतना ज्ञान देते हो, आखिरी में ऐसे करके तीन चार ज्ञान की लाइनें देते हो, वो कहना छोड़ दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके ऊपर ना रिएक्शन देंगे, ना व्लॉग बनाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, कि आप लोग खुद वो चीज़ कभी भी फॉलो नहीं करते हो। यू आर, आप सिर्फ सेलेक्टिव लोगों को गिफ्ट्स बांटते हो, प्यार तो आप बांटते नहीं हो, प्यार आपका कहाँ है? अगर आप लोगों के बीच में इतना प्यार होता ना, तो आप लोग आपस में कंफर्टेबल होते। आप लोग जब बात करने व्लॉग में आते हो, एवरीबडी इज अनकंफर्टेबल, बस फॉर्मली बोलते हो, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, इतना फॉर्मल रिलेशन लगता है आप सबका, कोई कम्फर्ट जोन है ही नहीं है, बस उस उनका, कुछ लोगों का आपस में ऐसा कम्फर्ट जोन, जिसका जिससे काम निकल रहा है बस उसी के साथ कम्फर्ट जोन है। मैडम का गरम दादा के साथ कम्फर्ट जोन है, आपका चंगू मंगू के साथ कंफर्ट जोन है, चबूतरा का फनी के साथ कंफर्ट जोन है, मतलब जो उसके इशारों पे नाचे उसके साथ कंफर्ट जोन है, अम्मी का पेटी खाला के साथ कंफर्ट जोन है, और नानी बेचारी पड़ी रहती है एक कोने में। वैसे नानी की बात भी मैं क्या बताऊँ, नानी डेंजर थी एक टाइम पे। नानी आप याद करो, आप अपने हस्बैंड को बिल्कुल बेड़ियों से जकड़ के रखती थी, कितना परेशान करती थी उनको। अब देखो बुढ़ापे में क्या हुआ, हस्बैंड होता आज आपका तो आपके साथ कोई ऐसी हरकत ही नहीं कर सकता, अब आपके बच्चे कैसा कर रहे हैं आपके साथ। सो एनी वेज, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं गाइज, मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि जब कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है ना, अभी मैडम ने बोल रही थी ब्लॉग में खुश रहिए खुश रहिए, तो मैडम प्लीज़ वी वॉन्ट टू कन्वे सेम थिंग टू यू, हम लोग सब खुश हैं, हम लोग की फैमिली में कोई टेंशन, कोई कलेश, कोई पंगे नहीं। आप खुद बताओ, जब किसी के घर में 24/7 कैमरा ऑन होगा, कोई घर में घुस रहा है कैमरा ऑन है, किचन में कैमरा है, मतलब सिर्फ एक टॉयलेट सीट है जहाँ पे कैमरा नहीं है, अदरवाइज हर जगह कैमरा कैमरा कैमरा, तो आपका नेचुरल रिएक्शन निकल पाएगा? आप मुझे बताओ, आपके घर में अगर कैमरा लगाओ जगह जगह, विल यू बी एबल टू रिएक्ट नॉर्मली? आप नॉर्मली रिएक्ट कर पाओगे? बट अगर आप एवरी डे आपको सोचना हो कि आपको अपनी फैमिली से कंटेंट निकालना है, आपकी मम्मी आएंगी कंटेंट चला रहा है, अम्मी सलाम कर दो, आपका भाई आएगा कैसे सुबह सोते रहे, उठे नहीं तुम, है कितना सोते रहते हो, खुद 2 बजे सो के उठ रहे हैं, फिर बहन आई क्या करती रहती है एकदम सुस्त बनी रहती हो, एवरी टाइम यू आर वॉचिंग पीपल ऑफ योर ओन फैमिली एज अ कॉन्टेंट, तो ये तो फिर नेचुरली बिहेव नहीं करना होता ना।
तो खैर एनीवेज आज के लिए बस इतना ही, थोड़ी बहुत डिस्कशन करने थे, थोड़ी बहुत हिपोक्रेसी एक्सपोज करनी थी और आप लोगों को उल्लू बनने से रोकना है। जल्दी मैं और फैजी आपको एक नए एंटरटेनिंग वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मज़े करिए। बाय बाय।